समेत देख के बताइए। आपका अति वाला पूरा हो गया था, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या करना है, लघु वाला, ठीक। सेकंड है आपका लघु, ठीक ठीक है। तो अति का था ना, वो अति वाला था, ठीक। आज लघु का करेंगे। हर्ष समझ रहे हो आप बेटा? यस मैम। अति वाला कंप्लीट है? यस मैम। पहला क्वेश्चन है, मंथरा ने, गुड मॉर्निंग निहारिका, मंथरा ने रानी केकई को, केकई को, मंथरा ने रानी केकई को क्या सलाह दी? आंसर नंबर वन है आपका, मंत्रा ने रानी के कई से कहा, मंत्रा ने रानी के कई से कहा कि यदि तुम, यदि राम राजा बने तो भरत उनके दास हो जाएंगे। और उन्हें स्वयं कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। अतः अच्छा यह है कि यही है कि यही है कि वे दशरथ से समय रहते दो वरदान मांग लें। दशरथ से समय रहते दो वरदान मांग लें। यहां तक लिखो, फिर उसके बाद हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। बता देना यहां तक हो जाएगा।
यहाँ तक हो जाएगा तो बता दीजिएगा। मैम हो गया? हो गया। यस मैम। यस मैम। इसके आगे लिखिएगा ठीक है? यस मैम। वरदान मांग ले। वरदान मांग ले यहाँ तक। वही वचन जिसे जिसे देने का संकल्प जिसे देने का संकल्प उन्होंने उन्होंने वर्षों पहले किया था। पहले पहले वचन में समझ में आ रहा है उन्होंने क्या कहा था कि वो वचन समाप्त है जो उन्होंने मांगा था वर्षों पहले। तो पहले वचन में उन्होंने क्या बोला, क्या मांगे? पहले वचन में उन्होंने कहा पहले वचन में भारत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे वचन में राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास मांगने की सलाह मंत्रा ने कैकेयी को दी। लिख लो। हो गया यहाँ तक? मैम इस चैप्टर का सारा भी करना है? हाँ इसका सब करना है। मैम हो गया? बाकी का निहारिका? मैम हो गया। हर्ष? हो गया। ये कंप्लीट हो गया ठीक है।
नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड नाउ राजा राजा दशरथ राम को ही मैम बहुत स्लो आवाज आ रही है मैम आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा अब आ रही है नो मैम निहारिका यस मैम बाकी सबको आ रही है यस मैम यस मैम आ रही है बेटा फिर कैसे कह रहे हो मेरे यहाँ नहीं आ रही मैम युवराज क्यों बनाना चाहते थे आंसर नंबर टू हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका राम अपने चारों भाइयों में बड़े थे जब से वे सीता स्वयंवर के पास अयोध्या वापस आए थे दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था राजकाज में क्या किया था शामिल करना शुरू कर दिया था राम भी यह जिम्मेदारी भली प्रकार निभा रहे थे यहाँ तक समझ में आ रहा है yes, ma'am. क्यों बनाना चाह रहे थे वजह ये थी वहां पर जो लिखा है कि राम अपने चारों भाइयों में बड़े थे जब से वे सीता स्वयंवर के बाद अयोध्या वापस आए थे हाँ जिम्मेदारी के बाद क्या लिखा है जिम्मेदारी भली प्रकार चलो यहाँ लिख दे रहे हैं हम भली प्रकार निभा रहे थे इसके अलावा विनम्रता विद्वता
तथा तथा पराक्रम में वे अद्वितीय थे। प्रजा उन्हें चाहती थी। प्रजा उन्हें क्या करती थी? चाहती थी। दरबार में राम का बढ़ता सम्मान देखकर दशरथ उन्हें युवराज बनाना चाहते थे। ये होगा आपका आंसर नंबर क्या है? सेकंड। लिख लो। हो जाता है तो बताइए। हो गया। राम का उसके बाद क्या लिखा है? राम कहाँ पर? हम ये नीचे दरबार में राम का बढ़ता सम्मान देखकर उन्हें दशरथ क्या चाहते थे कि राजा कौन बन जाए? हमारा बड़ा पुत्र राम, ठीक, युवराज बनना चाहते थे। हो गया यहाँ तक? सबका? हाँ मैम। लिख कर बताइए। मैम हो गया। हम दो क्वेश्चन यहाँ पर नोट करवा रहे हैं, ठीक है? इसको आप अपने बुक से देख कर लिखिएगा, ठीक है? स्टोरी पता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, समझा दिए हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला है आपका, ये सेकंड था ना जो अभी हम करवाए थे, सेकंड को। थर्ड है आपका, कैकेयी ने ऐसा क्या सुना कि उसने के कई ने ऐसा क्या सुना कि उसने अपने गले का हार मंथरा को दे दिया। क्वेश्चन नंबर फोर है मंत्रा की विद्रोही
विद्रोह भरी बातों से के कई पर क्या असर हुआ? ये दोनों आंसर आप लिखोगे अपने से। नोट कर लो क्वेश्चन। हो गया yes, ma'am. ठीक। अच्छा अब ये बताओ, इससे जो भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका आया कि कोप भवन में रानी के कई और राजा दशरथ के बीच क्या वार्तालाप हुआ, क्या आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे? क्या मैम? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोप भवन में रानी के कई और राजा दशरथ के बीच क्या क्या बातचीत हुई, तो नहीं लिख पाओगे इसका आंसर? ना मैम। लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना? क्यों सुमित? यस मैम। सुमित तुम नो क्यों कह रहे हो, बोलो। मैम उसमें कहां था? मैम कहां था? हर्ष उसे बताओ कहाँ था। मैम चैप्टर ही में था मैम, तब जब लास्ट पैसेज में है, लास्ट पैसेज में देख रही तब को भगवान गई थी। तो मैं आप ही ने लास्ट पढ़ा था ना कि जब वो yes, को भगवान जाती है तो अपने बाल को बिखेर कर लेट जाती है और नाराज होती है, उसके सामने दोनों के बीच बात होती है, दशरथ पूछते हैं क्या हुआ, वो नहीं कोई जवाब देती है, उसे पूछते हैं क्या तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है, तो कहती है नहीं, तो फिर उसके बाद वो दो वरदान की बात करते हैं, करते हैं कि नहीं, फिर दशरथ क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, लास्ट पैसेज में है। सुमित बुक सही से पढ़िए। मैम बुक है तो बुक सही से पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर जैसे आ जाता है आपका बाय चांस कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए, पढ़ो नेक्स्ट चैप्टर क्या है। दो वरदान के बाद कौन सा चैप्टर है? राम का वन गमन। राम राम का वन गमन। हाँ लिखो इसको पढ़िए। को भवन करेगा को भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, केकई अपने जिद पर अड़ी हुई, राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राजभिषेक की तैयारी करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद थी, आखिर राम का अभिषेक था, दिन चढ़ते साथ चहल पहल और बढ़ गई, और हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में महामंत्री सुमंत्रा कुछ असहज के मासिक महर्षि महर्षि लिखा है बेटा, महर्षि आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की, पिछली शाम के किसी ने महाराज को नहीं देखा था, कुछ लोगों ने लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी महाशिर ने सुमंत्र और
राजभवन भेजा, समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट थी, सारी चिंता हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। समुद्र तत्काल राजभवन पहुंचे, केकई के मल की सीढ़ियां चढ़ते हुए समुद्र को एक जान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा महाराज पलंग पर पड़े हुए बीमार दिनहीन। समुद्र का मन भापते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवार, महाराज राजभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं, वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात, समुद्र ने पूछा। मैं नहीं जानती अपने मन की बात, वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला जगत ने तीन स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। मन में कई तरह की आशंकाएं की, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक कहाँ पर पढ़ रहे हो? हम भवन को सजाया गया था, उसकी चमक धमक देखने योग्य थी। मंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था, राजभिषेक के लिए राजभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का सुमंत्र ने कहा, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए, लक्ष्मण साथ थे, दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। फिर उसके बाद सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे। उसको वर्षों होने लगी, राजकुमार वर्षों होने लगी। क्या हुई थी? फूल, मतलब क्या होता है, फूलों की वर्षा होने लगी थी। फिर उसके बाद क्या है? राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्य विशेष के लिए जा रहे हैं। एक मिनट, तुम्हें राजाभिषेक होता है, राजाभिषेक नहीं होता है, सही से पढ़ो उसको। राज्य विशेष के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता केकई को राम को देखते ही राजा दशरथ वशुद्ध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुपती रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप ही बताइए मुझसे। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार तो वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिसमें वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है, केकई ने बोलना जारी रखा। मैं चाहती हूँ कि राज्य विषयक भारत को वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। बस इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? जितना अभी करा दिए हैं उसको बेटा कर लो समेत, समझ रहे हो बेटा? यस मैम।
और जहां पर भी किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में या कोई चीज ऐसी नहीं समझ में आ रही तो उसको पूछो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का चैप्टर और जो चीज दिक्कत आएगी आप लोगों को उसको, ठीक है। यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।